हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथ्स का जो बुक है उसमें एट चैप्टर है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, उसमें प्रॉब्लम सेट नंबर 35 है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बच्चे लोग, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेट के लिए को प्राइम नंबर्स मालूम होना, व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम नंबर्स, ये जरूरी है। अगर कुछ डिफिकल्टी है कंसेप्ट में कि को प्राइम मतलब क्या, तो मेरा वीडियो है, इनफैक्ट टू वीडियोस है टाइप्स ऑफ नंबर्स, वो आपको मेरे चैनल पे फिफ्थ स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप मैथ्स ये प्लेलिस्ट में मिलेगा। ये दोनों वीडियोस जरूर देखें, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, ओके, सो दैट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ओके। टू बिगिन विथ, इवन टुडे, आज भी मैं आपको को प्राइम नंबर का मीनिंग बताने वाली हूं। को प्राइम नंबर्स, उसमें वर्ड है प्राइम, कंफ्यूज मत होना। को प्राइम नंबर्स का और प्राइम नंबर्स का कुछ भी लेना देना नहीं है, देयर इज नो रिलेशन, ओके। को प्राइम मतलब क्या, को प्राइम मतलब दो नंबर या तीन नंबर का कंपैरिजन होता है, तभी सबके फैक्टर्स निकाले जाते हैं, और उसमें अगर एक भी फैक्टर एक्सेप्ट वन, वन तो सबका ही होता है, एक के अलावा दूसरा कौन सा भी फैक्टर अगर कॉमन नहीं आता है, तो देन ओनली वी कैन कॉल दोज नंबर्स एज को प्राइम, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। फर्स्ट वन देखो, 22 एंड 24 नंबर्स दिए हैं। पहला अपना काम क्या है, 22 और 24 दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। चलो पहले 22 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 1 into 22, वेरी इजी, 2 into 11, सो फैक्टर्स ऑफ 22 क्या है, 1, 2, 11, 22, राइट। अभी 24 के, 24 के फैक्टर्स, 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6 हो गए, सो फैक्टर्स ऑफ 24 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24। अभी कंपेयर करो 22 के फैक्टर्स और 24 के फैक्टर्स, क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। अगर 1 से ज्यादा कौन सा भी नंबर अगर कॉमन फैक्टर है, तो वो नंबर्स को प्राइम नहीं हो सकती, दे आर नॉट, 22 एंड 24 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ओके, इतना इजी है। आगे बढ़ते हैं, 14 एंड 21, 14 के फैक्टर्स निकालते हैं पहले। 14 is 1 into 14 and 2 into 7. So factors of 14 कितने हैं? 1, 2, 7 and 14, right? अभी 21 के निकलते हैं. 21, 1 into 21, 3 into 7. बस. तो factors of 21 क्या है, 1, 3, 7 and 21, तो अभी कंपेयर करो कौन से नंबर्स कॉमन है, फैक्टर्स कॉमन है, 1 है इधर, यस, 7 कॉमन है, तो आर दे को प्राइम, नो, सो 14 एंड 21 आर नॉट को प्राइम नंबर्स बिकॉज दे हैव 7 एज अ फैक्टर, कॉमन फैक्टर, राइट, कितना इजी है कि नहीं, ओके। इधर अगर स्कूल में ऐसे बताया गया है, रीजन भी लिखो, तो लिखना पड़ेगा कि 14 एंड 21 आर नॉट को प्राइम नंबर्स बिकॉज दे हैव 7 एज अ कॉमन फैक्टर। अभी 10 एंड 33, 10 के फैक्टर्स निकालो, 1 इंटू 10,
टू इंटू फाइव हो गया. सो टेन के फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स ऑफ टेन, वन कॉमा टू कॉमा फाइव कॉमा टेन. अभी 33 के, वन इंटू 33 वेरी इजी, एंड थ्री इंटू 11 इवन मोर इजी. सो फैक्टर्स ऑफ 33 क्या है? 1, 3, 11, 33. अभी कंपेयर करना पड़ेगा. वन कॉमन है, वो तो सब में रहता है. अभी और कुछ कॉमन है? इसमें टू है, इसमें नहीं है. थ्री इसमें है, इसमें नहीं है. दे डू नॉट हैव एनी फैक्टर कॉमन. इसका मतलब क्या है? 10 एंड 33 आर को प्राइम नंबर्स, है कि नहीं? क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कॉमन है. अभी 11 एंड 30, 11 के फैक्टर्स क्या है? 1 इंटू 11, एक ही पेयर आएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर्स है. 11 इज अ प्राइम नंबर. फैक्टर्स ऑफ 11 आर 1 एंड 11. अभी 30 का, 30 के क्या है? 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, देन 5 इंटू 6. सो फैक्टर्स ऑफ कितने सारे हैं, है ना? फैक्टर्स ऑफ 30 और कितने? 1, 2, 3, 5. मैंने बोला है ऐसे यू शेप में जाना है, सो दैट वी डू नॉट मिस एनी फैक्टर. अभी कंपेयर करना है फैक्टर्स ऑफ 1 एंड 11. 1 तो सब में आता है, उसका कुछ टेंशन नहीं. 11 है इसमें, 11 है क्या इसमें? नहीं है. सो दे डू नॉट हैव एनी फैक्टर कॉमन एक्सेप्ट 1. सो 11 एंड 30 आर को प्राइम नंबर्स. इतना इजी है. को प्राइम मतलब फैक्टर्स का कंपैरिजन करना है. ओके, देर आर फ्यू मोर सम्स, वो भी करेंगे. चलो नेक्स्ट वन इज 5 एंड 7. अगर बच्चे लोग आप कंपेयर करते हो, ठीक से देखते हो, तो पता चलेगा 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है. कौन सा भी प्राइम नंबर हो उसमें दोनों में कौन सा भी फैक्टर कॉमन हो ही नहीं सकता है. सो उनको देख के ही मालूम पड़ता है कि दे आर को प्राइम. बट वी विल गो सिस्टमेटिकली. 5 का फैक्टर्स क्या है? 5 के 1 इंटू 5 ओनली 2 फैक्टर्स क्योंकि वो प्राइम है. सो फैक्टर्स ऑफ 5 क्या है? 1, 5. अभी 7 की, 7 इज ऑल्सो प्राइम, सो 1 इंटू 7 बस. सो फैक्टर्स ऑफ 7 क्या है? 1, 7. अभी कंपेयर करो, सिर्फ 1 ही कॉमन है, सो ऑब्वियसली दे आर को प्राइम. सो 5 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स, बराबर? ओके, नेक्स्ट वन इज 15, 16. बच्चे लोग ध्यान में रखो, कॉन्सिक्यूटिव नंबर नेक्स्ट टू इच अदर वाले नंबर, वो प्राइम हो नहीं तो सादे नंबर हो, कॉम्पोजिट. प्राइम और कॉम्पोजिट, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव. कौन से भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो वो हमेशा को प्राइम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सिस्टमेटिकली इधर जाके स्टेप वाइज करेंगे और बताएंगे कि ये क्यों को प्राइम है. चलो 15 के फैक्टर्स निकालो. 1 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 फिर से नहीं लिखेंगे, सेम है. सो फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है? 1, 3, 5, 15. अभी 16 के फैक्टर्स. 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4 हो गए. सो फैक्टर्स ऑफ 16 क्या है? 1, 2, 4, 4, 4 दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे. एंड 16 क्या क्या कॉमन है? सिर्फ ये 1 ही तो कॉमन है. ओनली 1 कॉमन मीन्स यस दे आर को प्राइम. सो 15 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स, है कि नहीं? इजी बच्चे लोग कंपेयर करना है ना. अभी 50 और 52 लुकिंग एट इट देख के ही मालूम पड़ता है कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, मतलब टू फैक्टर है, मतलब एक के अलावा
तो भी उनका कॉमन फैक्टर होगा, तो ये को प्राइम हो ही नहीं सकते। फिर भी हम लोग दिखाएंगे कि क्यों नहीं है। 50 के फैक्टर्स 1 इंटू 50, 2 इंटू 25, देन 5 इंटू 10 हो गए। सो फैक्टर्स ऑफ 50 क्या है, 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। अभी 52 को निकालेंगे, 52 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 इंटू 52, 2 इंटू 26, 3 से नहीं होगा, 5 प्लस 2 इज 7, सो 3 के टेबल में नहीं आता है। 4, यस 4 से डिविजिबल है ये, 4 इंटू 13, 5 से नहीं होगा, 2 और 3 दोनों नहीं है तो सिर्फ 2 है, 3 नहीं है तो 6 से नहीं होगा। 7 के टेबल में 52 नहीं आता है, 8 भी नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 का तो पैर हम लोगों ने लिखा है, तो हो गए फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 52, 1, 2, 4, 13, 26 और 52। अभी देखो कौन से कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 तो सब में रहता है, 2 भी कॉमन है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, 1 के अलावा और कुछ भी मिल गया तो दे कैनॉट बी कोप्राइम। सो 50 एंड 52 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स बिकॉज दे हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, 17, 18 ये भी कॉन्सिक्यूटिव है 15, 16 जैसे, तो ये को प्राइम होने ही है। फिर भी हम लोग दिखाएंगे, 17 इज अ प्राइम नंबर सो एक ही पेयर आएगा। सो फैक्टर्स ऑफ 17 क्या है, 1 एंड 17। अभी 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, राइट, देन 3 इंटू 6 हो गया ना, 6 इंटू 3 आएगा नेक्स्ट, सो सेम ही है। सो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अभी देखो कौन से कॉमन है, 1 कॉमन है, यस 1 तो होना ही है, अभी 17 ही तो है इसके पास, लेकिन इसके पास 17 है नहीं, सो दे डू नॉट हैव एनी अदर फैक्टर कॉमन एक्सेप्ट 1, सो 17 एंड 18 आर को प्राइम, ओके। को प्राइम नंबर्स आर वेरी इजी टू फाइंड आउट, फैक्टर्स निकाल के अगर एक के अलावा कौन सा भी दूसरा नंबर कॉमन है, दूसरा फैक्टर कॉमन है, तो दे आर नॉट को प्राइम, अदरवाइज दे आर को प्राइम, ओके। कितना इजी है कि नहीं। अपना प्रॉब्लम सेट नंबर 35 हो गया, ओके। बच्चे लोग अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूले, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अगला वीडियो लेके जल्दी ही वापस आऊंगी। तब तक क्या करना है, यस यू आर राइट, स्टडी वेल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एंजॉय स्टडी। बाय।